संडे को है डबल हेडर्स, उसमें से एक मुकाबला है राजस्थान रॉयल्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। किसको बनाए कप्तान, किसको वाइस कप्तान, चॉइसेस एज यूजुअल आपके पास बहुत सारी हैं, लेकिन वीडियो के एंड तक बने रहिए, एक एक चॉइस हो जाएगी क्लियर। स्टार्ट हम करेंगे पिच रिपोर्ट से। यहाँ पे पिच टाइप है बोलिंग गुड फॉर है स्पिन, स्ट्रेट बाउंड्रीज थोड़ी बड़ी है, यहाँ पे स्क्वायर बाउंड्रीज ठीक ठाक लेंथ की है, लेकिन एवरेज स्कोर है 136। यहाँ पे एवरेज स्कोर जस्टिफाई रियली नहीं करता, बड़े बड़े स्कोर बन जाते हैं और चेज भी हो जाते हैं। अगर हम बात करें प्रोबेबल प्लेइंग 11 की राजस्थान रॉयल्स की, तो यहाँ पे फोकस किस पर रहेगा, फोकस रहेगा ऑब्वियसली द मैन ऑफ द मोमेंट, द मैन ऑफ द आवर यशस्वी जायसवाल। जबरदस्त फॉर्म में है, सबसे तेज अर्धशतक, सबसे ज्यादा रन पहले ही ओवर में, 98 रन्स मारे पिछले मैच में, अपने ही दम पर अपनी टीम को जिता दिया, एंड इनिंग्स टू रिमेंबर फ्रॉम जायसवाल, और जबरदस्त थी और जबरदस्त फॉर्म में रहे हैं पूरे सीजन। इनको छोड़ के अगर किसी और पे फोकस रहेगा तो वो रहेंगे बटलर। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और जल्द से जल्द खुद भी चाहेंगे कि फॉर्म में आए। अब अगर बात करें आरसीबी की, तो ये रहेगी इनकी प्रोबेबल प्लेइंग 11, और फोकस यहाँ पे आरसीबी का रहेगा कि एज अ टीम खेले, बिकॉज तीन मुकाबले पड़े हैं और तीनों के तीनों जीतना यहाँ पे बहुत जरूरी है। हर एक गेम इज अ नॉकआउट फॉर देम फ्रॉम हेयर ऑन। अब अगर बात करें कप्तानी और वाइस कप्तानी चॉइसेस की, सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं वाइस कप्तान ग्लेन मैक्सवेल एंड चहल। चहल की बात करें, बन चुके हैं हाईएस्ट विकेट टेकर आईपीएल की हिस्ट्री में, जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। कल का मैदान स्पिनर्स के लिए अच्छा है, तो यू कैन अगेन बेट ऑन युजवेंद्र चहल टू कम गुड विद हिज फिरकी गेंदबाजी। अगर यहां पे बात करें ग्लेन मैक्सवेल की, बैटिंग में भी ठीक ठाक फॉर्म में रहे हैं, गेंदबाजी में भी ठीक ठाक फॉर्म में रहे हैं, लेकिन कल क्योंकि हर एक मैच अब आरसीबी का नॉकआउट की तरह ट्रीट करना होगा, यहां पे ग्लेन मैक्सवेल अंडर प्रेशर ही कैन बी द ट्रंप कार्ड फॉर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। तो विद द बैट विद द बॉल ग्लेन मैक्सवेल आपका सेकंड ऑप्शन रह सकते हैं फॉर वाइस कैप्टेंसी, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन एज आई सेड युजवेंद्र चहल। अब अगर बात करें कप्तानी चॉइस की, तो यहां पे ये इंसान विराट कोहली अंडर प्रेशर, हम सब जानते हैं विराट कोहली किस लेवल के खिलाड़ी हैं, किस तबके के बल्लेबाज हैं, तो अंडर प्रेशर कोई भी प्लेयर आपकी फैंटेसी 11 में इनसे ज्यादा बेहतर प्रेशर हैंडल नहीं कर सकता। और विराट कोहली अंडर प्रेशर, मैं बार बार बोल रहा हूं, इज अ कंप्लीटली डिफरेंट बैटर, तो इन पे बेट करना कल की फैंटेसी 11 पे बिल्कुल लाजमी है, और विराट कोहली कल आपको भर भर के फैंटेसी पॉइंट्स दिलवाएंगे। और दूसरे बैटर हमारे ऑब्वियसली, जैसे मैंने पहले कहा, मैन ऑफ द मोमेंट, मैन ऑफ द आवर यशस्वी जायसवाल, जबरदस्त फॉर्म में है, और कल भी जायसवाल जिस फॉर्म में चल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है जिस कंसिस्टेंसी के साथ खेल रहे हैं, आप जायसवाल पे कल भी बेट कर सकते हैं। लेकिन जैसे हमारा वाइस कप्तानी में फर्स्ट ऑप्शन थे युजवेंद्र चहल, यहां पे हमारी कैप्टेंसी में फर्स्ट ऑप्शन है विराट कोहली। बाकी आपका मन करे तो आप ग्लेन मैक्सवेल को भी बना सकते हैं, और मन करे तो यशस्वी जायसवाल को भी कप्तान बना सकते हैं। अब अगर हम बात करें यहां पे मैच प्रिडिक्शंस की, तो जीतेगा कौन, जीतेगी राजस्थान रॉयल्स, और आरसीबी के लिए प्लेऑफ्स तक का सफर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा, ये मेरा मानना है, बिकॉज आरसीबी इनकंसिस्टेंट रही है पूरे सीजन, और कल राजस्थान रॉयल्स जिस फॉर्म में है, आरसीबी के लिए थोड़ा मुश्किल होने वाला है कल। लेकिन यहां पे अगर बात करें बाकी प्रेडिक्शंस की, तो जॉस बटलर विल कम इन फॉर्म विद द बैट इन हैंड, यहां पे ही विल स्मैक 50 प्लस रन्स, एंड जॉश हेजलवुड एंड संदीप शर्मा विल स्कैल्प 3 विकेट, 2-1, 1-2, कौन कितनी लेगा, लेकिन इन दोनों के बीच में 3 विकेट शेयर जरूर होंगी। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कॉमेंट जरूर कर दीजिएगा, प्लस शेयर एंड सब्सक्राइब वो तो करना ही है।